नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सिवराई से। तहसील क्षेत्र के सायर सम्मत पर भारतीय फौज के जवान राजकुमार चौधरी द्वारा लगातार 5वें वर्ष भी मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्य अतिथि गाजीपुर जनपद के युवा धावक एवं ओलंपिक विजेता 400 मीटर दुर्गेश पाल के द्वारा दौड़ रहे प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल परीक्षार्थियों को भी कमेटी के द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा समिति के तरफ से गांव के युवाओं को समर्पित जिम के उपकरणों का उद्घाटन किया गया। विषय ज्ञान प्रतियोगिता में हाई स्कूल बालक वर्ग में मनीष कुमार प्रथम, कन्हैया कुमार द्वितीय और राहुल यादव तृतीय स्थान रहे। बालिका वर्ग में रेशमा खातून, संगीता चौधरी प्रथम, अंजलि यादव और नीलू यादव द्वितीय एवं बसंती चौधरी तृतीय स्थान पर रहे। 1 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता बालक वर्ग में श्याम बली राजभर प्रथम, पवन राजभर द्वितीय, उपेंद्र प्रजापति तृतीय एवं बालिका वर्ग में नंदिनी राजभर प्रथम, मंशा चौहान द्वितीय, संगीता खरवार तृतीय स्थान पर रहीं। 1600 मीटर दौड़ में मोनू यादव प्रथम, लाल बाबू द्वितीय, वीरेंद्र चौधरी तृतीय स्थान पर रहे। सभी सफल प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि एवं समिति द्वारा नगद राशि एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व समिति ने मुख्य अतिथि का माल्य अर्पण कर एवं स्मृति चिन्ह व साफा बांध कर स्वागत सम्मान किया। इस तरीके का कार्यक्रम सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ओलंपिक विजेता दुर्गेश पाल ने कहा कि समय बहुत तेज गति से निकल रहा है। जरूरत है कि सही दिशा में सकारात्मक रूप से मेहनत करने की। समय का सही सदुपयोग ही इंसान को सफल बना सकता है। आज बच्चे जो है मोबाइल में अपना ज्यादा समय देते हैं, ऐसे यूथ को आप उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, हर चीज का दो पहलू है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस तरीके से जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उसको यूज कीजिए। अगर मोबाइल भी आप यूज करते हैं तो उस तरीके से यूज करिए जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ हो, ना कि आपके समय के बाद बर्बादी की तरफ। आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए यही मैसेज करें कि उनके लिए समय बहुत मूल्यवान है और अपने समय को सही दिशा में लेके जाएं, ना कि दूसरी ऐसी दिशा में जहां उनको कोई चीज ना मिले और आगे उनके लक्ष्य को प्राप्ति ना हो। क्योंकि आज के टाइम में लक्ष्य प्राप्ति और लक्ष्य को टारगेट करने वाले लड़के बहुत कम हो रहे हैं और समय की बर्बादी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए लक्ष्य को बनाएं, अपने लाइफ को सोचें और उस तरह से आगे बढ़ें। वर्तमान सैनिक सायर गाजीपुर। राजकुमार जी, आपके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य रहा है इसके पीछे? इसका उद्देश्य यही था कि हमारे गांव के, हमारे इस क्षेत्र के युवा आगे बढ़ें और स्पोर्ट में अपना नाम रोशन करें। अभी तक ये 5वां साल है आपका, क्या कुछ प्रगति रिपोर्ट पाए हैं आप? अभी अब तक हमारे फर्स्ट साल में कोई भी खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट तक या स्टेट तक नहीं खेला था, लेकिन इस बार 5वीं बार होने जा रहा है। 31 जनवरी को स्टेट लेवल का मैंने खिलाड़ी पैदा किया यहाँ 2021 में। सायर गांव के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे आगे हमसे जितना भी सहयोग चाहें, ये सहयोग हम करेंगे, आगे ये विकास करें, आगे पढ़ाई पर ध्यान दें, आगे स्पोर्ट पर ध्यान दें, इनके लिए सुविधा मैं अवेलेबल कराऊँगा। युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य का निर्धारण करो और समय का सदुपयोग करते हुए पूरी लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करो, कामयाबी एक दिन कदम चूमेगी। कार्यक्रम का संचालन कृपा शंकर एवं अध्यक्षता योगेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर सुदिष्ट यादव, राजेश यादव, कप्तान वीरेंद्र राय, सूबेदार जवाहरलाल पाल, संतोष यादव, मोहम्मद सदरुद्दीन, अवधेश पाल, विनोद पाल, डॉक्टर अशोक यादव, इंदल कुशवाहा, भोला मस्ताना, कैलाश यादव, हेमेंद्र कुशवाहा, युवा नेता राकेश यादव आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता के आयोजक राजकुमार चौधरी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। ये खास रिपोर्ट थी नसीम खान की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।